इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा राजस्थान पीटीआई सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा 2023 के लिए राजस्थान करंट अफेयर के टॉप 50 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के पार्ट फर्स्ट की चर्चा करूंगा। डेली आपको इसी तरह टॉप 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे राजस्थान करंट अफेयर के लिए, इसलिए वीडियो अच्छा लगे तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। कल आपके लिए लेके आऊँगा 2022 में जितने भी राजस्थान में एग्जाम हुए थे उनमें पूछे गए करंट अफेयर के 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पार्ट लेके आऊँगा, इसलिए चैनल से जरूर जुड़े रहें। अब बात करता हूँ, इसमें जो भी करंट अफेयर है आपके वो सभी मार्च 2023 के क्वेश्चन हैं जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिट रहेंगे। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में जापानी तकनीक से तिरंगा ऑक्सीजन पॉकेट्स कहाँ बनाए जा रहे हैं? आपके पास ऑप्शन है जयपुर, अलवर, जोधपुर या कोटा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान में जापानी तकनीक से तिरंगा ऑक्सीजन पॉकेट्स हैं वो सिटी पार्क जयपुर में बनाए जा रहे हैं, यानी कि जो आपका राइट आंसर है वो ए हो जाएगा। और अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो, जहां आपको बिल्कुल फ्री में क्विज देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान कौशल नियोजन विभाग द्वारा राजस्थान मेगा जॉब फेयर का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? आपके पास ऑप्शन है अलवर, कोटा, भरतपुर या उदयपुर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान कौशल नियोजन विभाग द्वारा राजस्थान मेगा जॉब फेयर का आयोजन है वो आपके भरतपुर में किया जा रहा है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए किस जिला प्रशासन द्वारा सेव लाइफ अभियान चलाया जा रहा है? आपके पास ऑप्शन है अलवर, कोटा, भरतपुर या उदयपुर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सेव लाइफ अभियान है ये उदयपुर द्वारा चलाया जा रहा है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान सांस्कृतिक महोत्सव आयोजन कब किया जाएगा? आपके पास ऑप्शन है 10 मार्च से 20 मार्च 2023, 10 मार्च से 15 मार्च 2023, 20 मार्च से 30 मार्च 2023 या फिर 20 मार्च से 13 मार्च 2023। तो राजस्थान सांस्कृतिक महोत्सव आयोजन है यह आपके 20 मार्च से 30 मार्च 2023 तक किया गया, यानी कि जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा सी। वीडियो को लाइक जरूर करें, लाइक करना मत भूलें अगर वीडियो अच्छा लगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे आफरी द्वारा तरु मित्र पुरस्कार दिया गया? कोमल सिद्ध को, तनु फुलवारिया को, अनिता बदेल को या ऋषि का विश्नोई को। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में आफरी द्वारा तरु मित्र पुरस्कार दिया गया ऋषि का विश्नोई को। राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सशक्त नारी सशक्त भारत अभियान के तहत किसे राष्ट्रीय महिला उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आपके पास ऑप्शन है रूमा देवी, डॉक्टर नीलम गोयल, अनिता भदेल या ऋषि का विश्नोई। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, सशक्त नारी सशक्त भारत अभियान के तहत राष्ट्रीय महिला उत्कृष्टता पुरस्कार से डॉक्टर नीलम गोयल को सम्मानित किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कितने नए जिलों और संभाग की घोषणा की? आपके पास ऑप्शन है 9 जिले एंड 5 संभाग, 19 जिले एंड 3 संभाग, 10 जिले एंड 2 संभाग या 9 जिले या 3 संभाग। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 19 नए जिले और 3 संभाग बनाने की घोषणा की है। 19 नए जिले और 3 संभाग से महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो भी बनते हैं उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, जो कि आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिट रहेगा, तो एक बार आप जरूर वो वीडियो देखें। तो इसका आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में आम आदमी पार्टी द्वारा प्रदेश अध्यक्ष किसे बनाया गया? गणेश शंकर, नवीन पालिवाल, आदित्य शर्मा या राजकुमार शुक्ला। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान में आम आदमी पार्टी द्वारा प्रदेश का जो अध्यक्ष है वो बनाया गया नवीन पालिवाल को। राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान संस्कृत अकादमी द्वारा अखिल भारतीय माघ पुरस्कार किसे देने की घोषणा की गई? आपके पास ऑप्शन है प्रमोद कुमार शर्मा, नवीन पालिवाल, आदित्य शर्मा या राजकुमार शुक्ला। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान संस्कृति अकादमी द्वारा अखिल भारतीय माघ पुरस्कार है यह प्रमोद कुमार शर्मा को दिए जाने की घोषणा की गई है। राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य सरकार ने सामाजिक सुरक्षा के तहत दी जाने वाली मासिक पेंशन राशि को बढ़ाकर कितने करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? आपके पास ऑप्शन है 2000, 5000, 1000 या 7500। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, राज्य सरकार ने सामाजिक सुरक्षा के तहत दी जाने वाली मासिक पेंशन राशि को बढ़ाकर 1000 रुपये करने की मंजूरी दी है। कितने? 1000। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी।
वीडियो अच्छा लगे तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि डेली आपको राजस्थान करंट अफेयर के इसी तरह 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनार उत्पादन में राजस्थान देश में कौन से स्थान पर है? आपके पास ऑप्शन एक, दूसरे स्थान पर, चौथे स्थान पर या तीसरे स्थान पर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, अनार उत्पादन में राजस्थान देश में तीसरे नंबर पर है, यानी कि जो आपका राइट आंसर है वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री ने सिलिकोसिस उपचार हेतु रोगियों के लिए सिलिकोसिस विंग राज्य की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी कहाँ पर दी है? तो आपके पास ऑप्शन है जयपुर जोधपुर, अलवर पाली, जोधपुर बाड़मेर या अजमेर जोधपुर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अजमेर और जोधपुर में, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नए जिलों के निर्माण हेतु गठित राम लुभाया कमेटी का कार्यकाल कितने माह के लिए बढ़ा दिया गया है? आपके पास ऑप्शन है 3 माह, 12 माह, 6 माह या 8 माह। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में नए जिलों के निर्माण हेतु गठित राम लुभाया कमेटी का कार्यकाल 6 माह के लिए बढ़ा दिया गया है। राइट आंसर हो जाएगा सी। एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में नए जिलों के निर्माण हेतु कौन सी कमेटी गठित की गई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा राम लुभाया कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज्य मंत्री रमेश चंद्र मीणा ने राजीव गांधी जल संचयन योजना के द्वितीय चरण की शुरुआत कब की है? आपके पास ऑप्शन है 24 मार्च 2023, 20 मार्च 2023, 10 फरवरी 2023 या 22 मार्च 2023। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, पंचायती राज मंत्री रमेश चंद्र मीणा ने राजीव गांधी जल संचय योजना के तहत द्वितीय चरण की जो शुरुआत है वो आपके कब की है? 22 मार्च 2023 में, यानी कि आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा वर्ष 2022-23 का मीरा पुरस्कार किसे दिया गया? आपके पास ऑप्शन है रवि सक्सेना, रति सक्सेना, हेमंत कुमार या रविकांत सिंह। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा वर्ष 2022-23 का मीरा पुरस्कार रति सक्सेना को दिया गया है। राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा गणगौर उत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? आपके पास ऑप्शन है जयपुर, अलवर, जोधपुर या अजमेर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा गणगौर उत्सव 2023 का आयोजन जयपुर में किया गया, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 दिवसीय संभाग स्तरीय आरोग्य मेले का आयोजन कहाँ किया गया है? अलवर, झुंझुनू, जोधपुर या अजमेर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, 4 दिवसीय संभाग स्तरीय आरोग्य मेले का आयोजन आपके किया गया है अलवर में। राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 दिवसीय राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो का उद्घाटन कहाँ किया गया है? उदयपुर में, झुंझुनू में, जोधपुर में या अजमेर में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, 3 दिवसीय राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो का उद्घाटन जोधपुर में किया गया। राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधानसभा में राजस्थान सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम संशोधन विधेयक 2023 कब पारित किया गया? आपके पास ऑप्शन है 24 मार्च 2023, 20 मार्च 2023, 10 फरवरी 2023 या 2 मार्च 2023। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, 20 मार्च 2023 को राजस्थान सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विधेयक 2023 पारित किया गया। राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयपुर और जोधपुर की तर्ज पर राजस्थान के किस जिले में खेल विद्यालय खोला जाएगा? आपके पास ऑप्शन है उदयपुर, झुंझुनू, जोधपुर या अजमेर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जयपुर और जोधपुर की तर्ज पर राजस्थान के उदयपुर जिले में खेल विद्यालय खोला जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य सरकार द्वारा डॉक्टर सविता बेन अम्बेडकर योजना के तहत अंतर्जातीय विवाह पर प्रोत्साहन राशि को कितना बढ़ाया गया? 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख या 15 लाख। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, राज्य सरकार द्वारा डॉक्टर सविता बेन अम्बेडकर योजना के तहत अंतर्जातीय विवाह पर प्रोत्साहन राशि को 10 लाख रुपये बढ़ा दिया गया। राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय क्षय या टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत किस जिले के तहत टीबी मुक्त ग्राम पंचायत के तहत राज्य स्तर पर दूसरा स्थान हासिल किया? जयपुर ने, झुंझुनू ने, जोधपुर ने या अजमेर ने। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत झुंझुनू जिले ने के तहत टीबी मुक्त ग्राम पंचायत के तहत राज्य स्तर पर
दूसरा स्थान हासिल किस जिले ने किया है? झुंझुनू ने। राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रशासनिक सेवा परीक्षाओं की तैयारी हेतु किस संभाग द्वारा मिशन सितारे अभियान चलाया जा रहा है? जयपुर, बीकानेर, जोधपुर या अजमेर? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रशासनिक सेवा परीक्षाओं की तैयारी हेतु बीकानेर संभाग द्वारा मिशन सितारे अभियान चलाया जा रहा है। राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य स्तरीय पशुपालक सम्मान समारोह 8 में पशुपालक पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? रवि कुमार, सुरेश कुमार, सुरेंद्र रवाना या राजीव शुक्ला? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राज्य स्तरीय पशुपालक सम्मान समारोह 8 में पशुपालक पुरस्कार 2023 से सुरेंद्र अवाना को सम्मानित किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश में राजस्थान का दूध उत्पादन में कौन सा स्थान है? दूसरा, तीसरा, पहला या चौथा? तो दूध उत्पादन में देश में राजस्थान का है वो पहला स्थान है। राइट आंसर हो जाएगा सी। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान के किस शहर को विश्व का तीसरा सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर घोषित किया गया है? अजमेर, भिवाड़ी, जोधपुर या बाड़मेर? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हाल ही में जारी वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान के भिवाड़ी शहर को विश्व का तीसरा सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर घोषित किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट टू हेल्थ विधेयक 2022 पारित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? आपके पास ऑप्शन है राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान राइट टू हेल्थ विधेयक 2022 पारित करने वाला देश का पहला राज्य बना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राज्य सरकार ने 1 अप्रैल 2023 से रोडवेज बसों के किराए में महिलाओं को कितने प्रतिशत छूट देने की मंजूरी प्रदान की है? 25%, 50%, 75% या 80%? तो हाल ही में राज्य सरकार ने 1 अप्रैल 2023 से रोडवेज बस के किराए में महिलाओं को 50% की छूट देने को मंजूरी दी है। राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में अत्याधुनिक राजीव गांधी नॉलेज सर्विस एंड इनोवेशन हब का शिलान्यास किसके द्वारा किया जाएगा? अशोक गहलोत, कलराज मिश्र, पंकज मित्तल या इनमें से कोई नहीं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान में अत्याधुनिक राजीव गांधी नॉलेज सर्विस एंड इनोवेशन हब का शिलान्यास राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा किया जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस विश्वविद्यालय का पहला दीक्षांत समारोह मनाया गया है? आपके पास ऑप्शन है JNVU जोधपुर, RTU कोटा, बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय या इनमें से कोई नहीं? तो हाल ही में बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय का पहला दीक्षांत समारोह मनाया गया है। राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, थार महोत्सव का आयोजन राजस्थान के किस जिले में किया जाता है? आपके पास ऑप्शन है बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर या जयपुर? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा थार महोत्सव का आयोजन राजस्थान के बाड़मेर जिले में किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ए। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी तरह करंट अफेयर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 50 डेली के देखने को मिलेंगे। थार महोत्सव कार्यक्रम कितने दिन तक आयोजित किया जाता है? आपके पास ऑप्शन है 2 दिन, 5 दिन, 3 दिन या 1 दिन? तो प्रत्येक वर्ष थार महोत्सव का जो आयोजन होता है वो 3 दिन तक किया जाता है, यानी कि जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, थार महोत्सव 2023 का आयोजन कब से कब तक किया गया था? आपके पास ऑप्शन है 12 से 15 मार्च, 18 से 20 मार्च, 14 से 18 मार्च या 15 से 20 मार्च? आपका राइट आंसर हो जाएगा थार महोत्सव 2023 का जो आयोजन है वो 18 से 20 मार्च 2023 तक किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, थार महोत्सव 2023 में थार सुंदरी का अवार्ड किसने जीता है? कोमल सिद्ध ने, तनु फुलवरिया ने, अनिता बदेल ने या इनमें से कोई नहीं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा थार महोत्सव 2023 में थार सुंदरी का अवार्ड कोमल सिद्ध और तनु फुलवरिया को संयुक्त रूप से दिया गया है। तो तनु फुलवरिया को भी दिया गया, कोमल सिद्ध को भी दिया गया, ए एंड बी दोनों राइट आंसर माना जाएगा, क्योंकि इन्हें संयुक्त रूप से दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, थार महोत्सव 2023 में थार श्री का अवार्ड किसने जीता है? आपके पास ऑप्शन है मनोज चौधरी, अरुण शर्मा, विक्रम सिंह सोलंकी या पंकज कुमार? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा थार महोत्सव 2023 में थार श्री का जो अवार्ड है वो जीता विक्रम सिंह सोलंकी ने। राइट आंसर हो जाएगा सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त और विनियोग 2023-24 पर चर्चा के दौरान राजस्थान में कितने नए जिले बनाने की घोषणा की गई थी? 12, 16, 19 या 22? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वित्त और विनियोग 2023-24 पर चर्चा के दौरान राजस्थान में 19 नए जिले बनाने की घोषणा की गई थी। राइट आंसर हो जाएगा सी। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है राजस्थान के कितने नए संभाग बनाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नए जिलों और संभाग की घोषणा कब की थी? आपके पास ऑप्शन है 24 मार्च 2022, 17 मार्च 2023, 10 फरवरी 2023 या 2 मार्च 2023। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नए जिले और संभाग की घोषणा 17 मार्च 2023 को की थी, यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एनसीसी एकेडमी खोलने की घोषणा कहाँ पे की है? बाड़मेर में, जयपुर में, जोधपुर में या उदयपुर में? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर शहर में एनसीसी एकेडमी खोलने की घोषणा की है, तो यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री ने किस जिले में स्थित तीर्थ स्थल के विकास हेतु प्राधिकरण के गठन की घोषणा की है? आपके पास ऑप्शन है बाड़मेर, अजमेर, जोधपुर या उदयपुर? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अजमेर जिले में स्थित तीर्थराज पुष्कर के विकास हेतु प्राधिकरण के गठन की घोषणा की है। राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग द्वारा यूनिसेफ के साथ मिलकर स्कूली बच्चों के आइडिया को सामने लाने के लिए कितने लॉन्च पैड तैयार कर रहा है? 50, 80, 66 या 94? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग द्वारा यूनिसेफ के साथ मिलकर स्कूली बच्चा के आइडिया को सामने लाने के लिए टोटल 66 यानी कि 66 लॉन्च पैड तैयार कर रहा है। राइट आंसर हो जाएगा सी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि डेली आपको इसी तरह करंट अफेयर के 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और कल तो आपके लिए लेके आएंगे ऐसा वीडियो जिसमें आपके राजस्थान 2022 और 23 में जितने भी एग्जाम हुए उनमें पूछे गए करंट अफेयर के क्वेश्चन का कलेक्शन का पार्ट लेके आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान वन विभाग द्वारा जारी प्रशासनिक प्रतिवेदन 2022-23 के अनुसार कुल अभिलेखित वन क्षेत्र कितना है? ऑप्शन ए है 32,869.69 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन बी है 34,369.69 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन सी है 32,769.69 वर्ग किलोमीटर या फिर ऑप्शन डी है 36,669.69 वर्ग किलोमीटर? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान वन विभाग द्वारा जारी प्रशासनिक प्रतिवेदन 2022-23 के अनुसार कुल अभिलेखित वन क्षेत्र है वो आपके 32,869.69 वर्ग किलोमीटर, 32,869.69 आपका ऑप्शन नंबर ए है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान विधानसभा में 2023 के लिए सर्वश्रेष्ठ विधायक किसे चुना गया है? अनीता बघेल, अमीन खान, राजीव कुमार या ए और बी दोनों को? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान विधानसभा में 2023 के लिए सर्वश्रेष्ठ विधायक अनीता बघेल और अमीन खान दोनों को चुना गया है। राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी कि डी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना के तहत राजस्थान के किस प्रशासनिक स्तर पर स्टेडियम बनाने का प्रावधान है? राज्य स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, पंचायत स्तर पर या इनमें से कोई नहीं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना के तहत राजस्थान के ब्लॉक स्तर पर स्टेडियम बनाने का प्रावधान है। राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मुख्यमंत्री ने कहा भारत के पहले क्षेत्रीय बाजरा अनुसंधान स्टेशन की स्थापना हेतु भूमि आवंटन को मंजूरी प्रदान की है? आपके पास ऑप्शन है जोधपुर, जयपुर, बाड़मेर या अलवर? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बाड़मेर के गुड़ामालानी में बाजरा अनुसंधान स्टेशन की स्थापना हेतु भूमि आवंटन का मंजूरी प्रदान की है। राइट आंसर हो जाएगा बाड़मेर, यानी कि सी, और बाड़मेर में कहा? गुड़ामालानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य सरकार द्वारा किसानों को विलायती बबूल की समस्या से निजात दिलाने के लिए किस स्तर पर विशेष अभियान चलाया जाएगा? राज्य स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, पंचायत स्तर पर या इनमें से कोई नहीं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, राज्य सरकार द्वारा किसानों को विलायती बबूल की समस्या से निजात दिलाने के लिए पंचायत स्तर पर एक विशेष अभियान चलाया जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा
सी। वीडियो को लाइक जरूर करें अगर ऐसे ही आप 50 ऑब्जेक्टिव करंट अफेयर के क्वेश्चन देखने को चाहिए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार द्वारा ई गवर्नेंस के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु वर्ष 2021-22 के लिए कितने लोगों को सम्मानित किया जाएगा, 50, 80, 92 या 94? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, राज्य सरकार द्वारा ई गवर्नेंस के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु वर्ष 2021-22 के लिए टोटल 94 लोगों को सम्मानित किया जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा डी, 94। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के कनेक्शन जारी करने के मामले में के अनुसार जल जीवन मिशन के तहत जल राजस्थान देश में किस स्थान पर है, 5वें, 3रे, 12वें या 10वें? तो केंद्र सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के कनेक्शन जारी करने के मामले के अनुसार जल जीवन मिशन के तहत राजस्थान देश में है 3रे नंबर पर। राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य सरकार द्वारा कितने जिलों में नए पशुपालन प्रशिक्षण केंद्र खोलने को मंजूरी प्रदान की गई है? आपके पास ऑप्शन 9, 8, 5 या 10? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, राज्य सरकार द्वारा टोटल 5 जिलों में, कितने जिलों में, 5 जिलों में नए पशुपालन प्रशिक्षण केंद्र खोलने को मंजूरी प्रदान की गई है। राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3रे खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2023 में राजस्थान ने कितने पदक जीते हैं, 5, 8, 12 या 10? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, 3रे खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2023 में राजस्थान ने टोटल 10 पदक जीते हैं। राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राज्य सरकार द्वारा गठित वीर तेजाजी कल्याण बोर्ड में अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य होंगे, 4, 9, 12 या 2? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में राज्य सरकार द्वारा गठित वीर तेजाजी कल्याण बोर्ड में अध्यक्ष सहित टोटल 9 सदस्य होंगे। राइट आंसर बी। तो ये थे आपके ऑब्जेक्टिव 50 करंट अफेयर राजस्थान करंट अफेयर के क्वेश्चन। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना, डेली आपको इसी तरह राजस्थान करंट अफेयर के टॉप 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इस वीडियो में हमने बात की थी पार्ट फर्स्ट की, कल बात करेंगे पार्ट सेकंड की, जिसमें आपके 2022 और 23 एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन का कलेक्शन होगा। और अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो।